मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गॉसनर कॉलेज रांची। आज मैं बीकॉम सेमेस्टर 6 का पेपर DSE 4 फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का चैप्टर इंडियन स्टॉक मार्केट 2 यानी सेकेंडरी मार्केट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा रहा हूँ और आप लोग सुनकर लिखें। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में मैं आपको लिखा रहा हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उसका सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे स्टॉक एक्सचेंज। अब उसका चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में है ए हेल्प्स इन फिक्सिंग ऑफ स्टॉक प्राइस, दूसरा बी ऑप्शन में इंश्योर्स सेफ एंड फेयर डीलिंग्स, सी में इंड्यूसेस गुड परफॉर्मेंस बाय कंपनी, और चौथा में ऑल दी एवम। फिर से मैं दोबारा आपको क्वेश्चन रिवाइज कर रहा हूँ, सुनिएंगे आप लोग। स्टॉक एक्सचेंज, अब चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में क्या है हेल्प्स इन फिक्सिंग ऑफ स्टॉक प्राइस, बी में है इंश्योर्स सेफ एंड फेयर डीलिंग्स, और सी में है इंड्यूसेस गुड परफॉर्मेंस बाय कंपनी, और डी में ऑल दी एवव। तो इसका आंसर होगा ऑल दी एवव, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे इन दी BSE, बी कैपिटल लेटर में, एस कैपिटल लेटर में, ई वी कैपिटल लेटर में। इन दी BSE शेयर्स आर डिवाइडेड इन टू। इन दी BSE शेयर्स आर डिवाइडेड इन टू। अब चार ऑप्शन सुनेंगे। पहला ऑप्शन में 4 कैटेगरीज, बी ऑप्शन में 3 कैटेगरीज, सी ऑप्शन में 5 कैटेगरीज, डी ऑप्शन में 2 कैटेगरीज। इसका सही आंसर होगा 4 कैटेगरीज, है ना। इन दी BSE शेयर्स आर डिवाइडेड इन टू 4 कैटेगरीज, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द रोल सेटलमेंट पीरियड इज, दी रोल सेटलमेंट पीरियड इज। अब चार ऑप्शन में, ए ऑप्शन में है T+5, बी में T+3, सी में T+2, डी में T+1। तो इसका सही आंसर होगा T+2। क्वेश्चन नंबर 4, मार्जिन ट्रेडिंग मीन्स, मार्जिन ट्रेडिंग मीन्स। अब उसका चार ऑप्शन में है ए बी सी डी, चार ऑप्शन सुनिएगा। पहला ऑप्शन में है ए ऑप्शन में ट्रेडिंग विथ बोरोड फंड्स, बी ऑप्शन में ट्रेडिंग विथ बोरोड सिक्योरिटीज। पहला ऑप्शन में याद रखिएगा, मैंने जो पढ़ा कंफ्यूज मत होइएगा, ट्रेडिंग विथ बोरोड फंड्स, बोरोड फंड्स बोला। पहला ऑप्शन में क्या बोला ट्रेडिंग विथ बोरोड फंड्स, अब बी ऑप्शन में ट्रेडिंग विथ बोरोड सिक्योरिटीज, और सी ऑप्शन में ट्रेडिंग विथ बोरोड फंड्स और सिक्योरिटीज, और डी ऑप्शन में ट्रेडिंग इन ओनली वन एक्सचेंज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रेडिंग विथ बोरोड फंड्स और सिक्योरिटीज। ऑप्शन नंबर 5, ए स्टॉक ब्रोकर शुड हैव एट लीस्ट, ए स्टॉक ब्रोकर शुड हैव एट लीस्ट ए। अब चार ऑप्शन सुनिएगा। पहला ऑप्शन में क्या है हाई स्कूल सर्टिफिकेट, बी में है ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, सी में है पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, और डी में ए डिग्री इन मैनेजमेंट। इसका सही आंसर होगा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, बी ऑप्शन, है ना। छठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फॉर ए स्टॉक एक्सचेंज टू बी लिस्टेड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर्स इन इट्स गवर्निंग बॉडी शुड बी। और ऑप्शन 6 में क्या बोल रहा है फॉर ए स्टॉक एक्सचेंज टू बी लिस्टेड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर्स इन इट्स गवर्नमेंट बॉडी शुड बी। अब चार ऑप्शन सुनिएगा। ए ऑप्शन में 33%, बी ऑप्शन में 40%, सी ऑप्शन में 50%, डी ऑप्शन में 25%। इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन 50%। अब आप लोग स्टेट ट्रू फॉल्स लिखेंगे, तो लिखिए स्टेट ट्रू और फॉल्स, मतलब ट्रू और फॉल्स बताना है। तो पहला ट्रू और फॉल्स का पहला क्वेश्चन लिखिए स्टॉक मार्केट वाज स्टार्टेड इन 1800
1830 इन मुंबई। यस ये सही है, स्टॉक मार्केट जो है मुंबई में कब स्टार्ट हुआ था? 1830, 1830। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, स्टॉक एक्सचेंज वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1920 इन इंडिया। इसका आंसर होगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर थ्री, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए कंपनी डज नॉट अफेक्ट इट्स शेयर्स प्राइस। इसका आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर, स्पेकुलेशन एक्टिविटीज अफेक्ट शेयर प्राइसेस। इसका आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1988। इसका आंसर होगा ट्रू। सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। सही है। नेक्स्ट है, सेबी वाज लीगली रिकॉग्नाइज्ड इन 1995। फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रिसिल CRI, सी भी कैपिटल लेटर में, आर भी कैपिटल लेटर में, आई भी कैपिटल लेटर में, एस भी कैपिटल लेटर में, आई भी कैपिटल लेटर में और एल। CRISIL वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1988। तो ये आपका हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर एट, केयर वाज सी कैपिटल लेटर में, ए कैपिटल लेटर में, आर कैपिटल लेटर में, ई कैपिटल लेटर में। केयर वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1998। इसका आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट लिखेंगे, इनसाइडर ट्रेडिंग इज एन अनएथिकल प्रैक्टिस। ये है, इसका आंसर लिखेंगे ट्रू। तो ये आपका इंडियन स्टॉक मार्केट टू है ना। जैसा आप जानते हैं, अभी इनसे पहले वाले वीडियो मैंने इंडियन स्टॉक मार्केट वन लिखाया था, और आपको मालूम है कि ये जो इंडियन स्टॉक मार्केट टू को सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है, यानी कि शेयर मार्केट है ना, शेयर मार्केट कहा जाता है। तो आप स्टूडेंट इसे सुनकर कॉपी में उतारें। थैंक यू।